हे माई लव्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक मॉइस्चराइजर के बारे में। आई नो इट्स नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, ये मार्केट में बहुत टाइम से है, बट स्टिल मैंने इसको लेटेस्ट ही लिया था। सो आई थॉट कि लेट्स शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फ्रेश फील फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन। इट हैज़ विटामिन ई एंड ग्लिसरीन, दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक। आई नो मैंने बहुत बड़ा टब ले लिया है ये। सो आई नो इट्स नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, बट स्टिल इफ यू वॉन्टेड टू सी माई टेक ऑन दिस वन, लाइक वेदर आई विल रिकमेंड दिस और नॉट एंड हाउ आई फेल्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट, देन कीप ऑन वॉचिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और उसके बगल में बेल बटन बना है उसको भी क्लिक कर दें, सो दैट कभी भी आप मेरे कोई वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। और अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन कम एंड फॉलो मी देयर। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम पॉन्स गाइज। इससे पहले मैंने इनका सुपर लाइट जेल यूज़ किया है एंड मैंने उसको रीपरचेज किया था। आई लव दैट प्रोडक्ट। आई नो दैट डू कंटेन फ्रेग्रेंस एंड फ्यू ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स जो कुछ खास नहीं है, बट स्टिल दैट फील्स फाइन फॉर मी एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट अ लॉट। देन आई थॉट लेट्स ट्राई दिस वन एज वेल। सो ये वाला लाइट मॉइस्चराइजर है एंड ये भी नॉन स्टिकी क्लेम करता है कि इट्स अ नॉन ऑयली फ्रेश फील कराएगा आपको। दैट्स वाई थॉट कि चलो लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस वन एज वेल। एंड ये मुझे छोटा साइज नहीं मिला इसलिए मुझे बड़ा टब ही लेना पड़ा। एंड दिस बिग टब रिटेल्स फॉर आई थिंक ओनली 299 रुपीज़ फॉर 250 ml ऑफ प्रोडक्ट। एंड पैकेजिंग बेसिक आपको पता ही है कैसी है। अंदर ये इस तरह की सिल्वर कलर का फॉइल का कवरिंग लगा होता है जिसको आपको रिमूव करना होता है एंड अंदर आपको मिलता है इस तरह का ये प्रोडक्ट। इस तरह का अंदर दिखता है गाइज, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा है। नाउ दैट्स हाउ दिस फील्स लाइक ऑन द स्किन। नो डाउट इट्स वेरी वेरी लाइट वेटेड। यू कैन सी गाइज, इट्स वेरी वेरी लाइट वेटेड एंड बहुत अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाउटेडली फील्स वेरी वेरी लाइट एंड थोड़ा सा मैट काइंड ऑफ अ फिनिश आपको देता है ये अप्लाई करने के बाद। बट आई पर्सनली डोंट लाइक दिस टेक्स्चर बिकॉज आई डोंट नो, इट्स नॉट एट ऑल दैट स्मूद, बट या I don't like the texture of this one. So I'm gonna talk about the ingredients now, but I'm not gonna give you the whole list of the ingredients. We're gonna talk about the main ingredients and few of the ingredients which are not fine in this. So first of all, इसके अंदर है palmitic acid and stearic acid. Now palmitic acid guys एक emollient का काम करता है, एक्यूजिव का काम करता है, एक लेयर आपके स्किन पे बना देता है ताकि यू नो वाटर लॉस ना हो आपके स्किन से, मॉइस्चर लॉस ना हो तो एक बैरियर सा क्रिएट कर देता है वो। एंड स्टेरिक एसिड भी वही सेम चीज़ करता है, यू नो एक एमुलेंट का काम करता है, एक लेयर बना देता है एंड ऑफकोर्स नहीं जाता आपका जो मॉइस्चर है स्किन का। देन उसके बाद है नियासिनामाइड। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि यू नो एक्ने स्कार्स को कम करने में हेल्प करता है एंड आपका जो पोर्स है उनको मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है, आपके स्किन को रीटेक्सचराइज करने में हेल्प करता है बेसिकली। एंड देन इसके अंदर है आइसोप्रोपाइल ग्लिसराइल। चलो एनी वेज आई एम नॉट गोना रीड ऑल द इन्ग्रीडियंट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट हैज़ मिनरल ऑयल। नाउ मिनरल ऑयल इज़ अ ग्रेट इमोलेंट अगेन, बट मिनरल ऑयल की जो स्टडीज़ हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली यू नो दैट माइट क्लॉग योर पोर्स एंड क्लॉग पोर होंगे तो ऑफकोर्स यू नो यू गोना गेट द ब्रेकआउट। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ ऑयली एंड एक्ने प्रोन, आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज ऑफ द मिनरल ऑयल। एंड देन इसके बाद इसके अंदर है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ऑफकोर्स ह्यूमेक्टेंट है, स्टाइल एल्कोहल भी अगेन हाइड्रेटिंग होता है। एंड इसके अंदर डीमेथेकोन भी है जो सिलिकॉन होते हैं जिससे टेक्स्चर थोड़ा अच्छा फील होता है। एंड टेक्स्चर की बात करें तो इसके अंदर जेंथेन गम भी है जो टेक्स्चर को बेटर बनाने में हेल्प करता है, वो भी इसके अंदर है। उसके अलावा गाइज इसके अंदर देखिए पैराबिन्स भी हैं, इसके अंदर मिथाइल पैराबिन भी है, प्रोपाइल पैराबिन भी है एंड और भी हैं, ठीक है। एंड देन इसके अंदर सोयाबीन ऑयल भी है। सोयाबीन ऑयल के बाद इसके अंदर पीच फ्रूट एक्सट्रैक्ट है।
देन इसके अंदर गाइज स्ट्रॉबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, देन इट हैज़ फिनॉक्सीथिनोल एंड उसके बाद इसके अंदर परफ्यूम है, परफ्यूम के बाद ही फ्रेगरेंस के ही कुछ अलग अलग जो डेरिवेटिव्स हैं, जो फ्रेगरेंसेज हैं वो इसके अंदर डली हुई हैं एज लास्ट इन्ग्रीडियंट्स। लाइक परफ्यूम है, परफ्यूम के बाद 1, 2, 3, 4, 5 तरह के इसके अंदर फ्रेगरेंसेज डाली गई हैं। सो ऑन एंड ऑल इफ़ आई से सी इफ पैराबेंस का ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आई थिंक इफ फ्रेगरेंस इज फाइन देन आई फील पैराबेंस आर ऑल्सो फाइन, बिकॉज ये जो भी फॉर्मुलेशंस होती हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये यू नो अप्रूव होने के लिए FDA के पास जाती हैं या जो भी रेगुलेटरी होती है जो इन प्रोडक्ट्स को यू नो ओके करता है कि हाँ ओके दे आर ओके फाइन यू कैन यू नो आप इनको मार्केट में उतार सकते हैं। तो वो हर चीज़ चेक करते हैं गाइस कि कितनी परसेंटेज है उस चीज़ की और कितना कितना क्या डला हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ ये है गाइस कि जो पैराबेंस है वो यू नो जो ये इसके अंदर कर्नल ऑयल है उससे पहले है, देन आई टोल्ड यू इसके अंदर पीच फ्रूट एक्सट्रैक्ट है वो भी पैराबेंस के बाद है, देन इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्रूट एक्सट्रैक्ट है वो भी पैराबेंस के बाद है। तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी सी थिंग है, बट आई डोंट नो, आई मीन देर नो मच बेटर दी फॉर्मुलेशंस जो भी उन्होंने बनाई हैं। ऑफकोर्स वो अपना एक पूरा जो भी वो बनाते हैं उनकी फॉर्मुलेशन द प्रोटोकॉल जिसके प्रोटोकॉल मीन्स जो प्रोसेस जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट बना है वो सब उनको यू नो डेटा वहाँ पे सबमिट करना होता है व्हेन दे गो टू यू नो गेटिंग द प्रोडक्ट अप्रूव्ड। सो उस टाइम पे वो हर चीज़ चेक करते हैं। सो आई फील जो रेगुलेटरीज हैं वो सब चेक करती हैं उसके बाद प्रोडक्ट को अप्रूव करती हैं। सो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन में वैसा इशू हो तो ऑफकोर्स वो उस चीज़ को आगे जाने ही नहीं देंगे, वो प्रोडक्ट को आगे लॉन्च ही नहीं होने देंगे। बट आई फील एंड बट स्टिल एज अ कंज्यूमर यू शुड बी अवेयर लाइक आप क्या चीज़ अपने फेस पे लगा रहे हो एंड पर्टिकुलरली कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा है जिससे आपको इशू हो सकता है। लाइक इफ़ यू आर एक्ने प्रोन स्किन एंड इफ यू आर ऑयली स्किन देन आई थिंक मिनरल ऑयल क्लॉग करता है पोर्स को। तो इस तरह की चीज़ें जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एलर्जिक टू होबा ऑयल, आपको होबा ऑयल सूट नहीं करता है या आपको विटामिन ई सूट नहीं करता है, देन उस केस में आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखो एंड उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट चूज़ करो अपने लिए। एंड इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया इट डू कंटेन मिनरल ऑयल, इट डू कंटेन पैराबेंस, 2-3 तरह के पैराबेंस हैं एंड इसके अंदर काफ़ी सारी फ्रेगरेंस भी है, 3-4 इसमें इंग्रेडिएंट्स फ्रेगरेंस के भी डले हुए हैं। एंड आई पर्सनली डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू गाइज नो मुझे फ्रेगरेंस से उतना इशू नहीं होता है अगर वो लास्ट इन्ग्रीडियंट में हो, बट आई पर्सनली डोंट लाइक द टेक्स्चर ऑफ दिस वन और जो फील ये फेस पे देता है, इससे बेटर मुझे इनका सुपर लाइट जेल लगा है एंड आई मे रीपरचेज दैट वन अगेन। बट दिस वन आई थिंक आई डोंट नो हाउ आई एम गोना फिनिश दिस वन, बिकॉज ये मैंने अपने हस्बैंड को भी दी थी एंड उनको भी कुछ खास ही लगी नहीं बिकॉज ही इज़ ऑयली स्किन, तो ही वॉज लाइक यार क्या गंद मुझे दे दिया यूज़ करने के लिए, उसके लिए मैंने उसके बाद यू नो मैंने इसको उठा दिया है। अब आई थिंक आई एम गोना यूज़ इट ऑन माई बॉडी बिकॉज फॉर एज अ बॉडी लोशन आई हैव टू फिनिश दिस ऑफ राइट। So yeah, that's all about this product. Now you are smart enough to choose the right product for you. But I can tell you, like I personally don't like the feel of this one. The texture is not that fine. Like I don't know, थोड़ा sticky sticky feel होता है and अच्छा नहीं लगता। So yeah, that's my point of view. I hope आपको आज का video अच्छा लगा, helpful लगा है तो like कर दीजिएगा और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है फटाफट से subscribe कर लो और Instagram पे मुझे follow कर लो। मिलती हूँ आपको अपनी अगली video में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।